नहीं जाने देते। ये होता कौन जैसे तुरंत खा के बात कर रहे हैं। अच्छा तुरंत काम कर, किसी को बाहर जाना नहीं है, तुरंत राय बना रहे तुरंत लेके चलते। नहीं तो तुरंत इतना आप 5000 आदमी कैसे इकट्ठा कर, वो करीब 5000 का फौज इकट्ठा कर लिया था तुरंत का, और उनको फिर उनको लड़ने झड़ने का तलवार भाला नड़ासा इन सबसे सिखला रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। अच्छा ट्रेनिंग भी दे रहा था, काय नहीं देगा कैसे जाके लड़ेंगे सब, तो कुछ ट्रेनिंग भी दिया। लेकिन जा करके वहाँ पर उस यहाँ भारत का ही किसी आदमी ने वहाँ अंग्रेजों को बता दिया कैसे ऐसे योजना बना रहा है तुर्रम खां, तो बोला कि अच्छा ठीक है, तो और मिलिट्री मंगा लिया सब, उसके बाद जो है इन लोग को एकदम पूरा भून दिए। हाँ बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई, गोली मार दी सबको, जलियाना बाग की तरह हो गया, सबको मार दिए। तुर्रम खां भागा, तुर्रम खां को पकड़ करके वो जो है पेड़ से टांग दिए, लटक जाओ, कहे कि कोई भी हम लोग के खिलाफ करेगा तो वही हाल करेंगे। और ये जो दाहिर था भारत का जो पहला शासक जो लड़ा था मुसलमानों से, दाहिर सिंध का राजा, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। हाँ पहले तो यहाँ का बौद्ध था, वो उसने जा करके उसको सब सब यहाँ का सूचना वूचना सब दे दिया था और गेट वोट खोल दिया था। हाँ उसके कारण पहले ऐसे ही होता था सर, ऐसा ही होता था, एक शासक दूसरे से जा करके मिल जाता था, वो राजगद्दी के लिए, राजगद्दी के लिए इतिहास में ही सब वो मिल करके उसको मरवा देता था। उसको बताया है हमारे देश के लोग ही अपने देश के लोगों को गुलाम बनाने के कारण रहे हैं, अपने ही देश के लोग रहे हैं। राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल नहीं रही है यहाँ, यहाँ पर कुलवाद वंशवाद जातवाद ये रहा है प्रबल, राष्ट्रवाद प्रबल नहीं रहा है यहाँ। हल्के फुल्की अवधारणा रही है राष्ट्रवाद की, लेकिन वो हल्के फुल्की रही है। राजाओं का राज चलता था ना, जितना तक जिसका हल्का था तो दूसरे से मिल जाता था, उसको लेकर के उसको मरवा देता था, तो उसमें से उसको बना देता था, जैसे जिला का अधिकारी बना देता था, वो राज उसको सौंप देता था, कुल पद दे देते थे। जैसे अकबर की नीति थी गुरु जी, छोटे छोटे राजाओं को अपने राज्य में मिलाना शुरू किया, तो मूर्ख थे तब मिलाया सब, उनको पद देना शुरू किया। जिस तरह जनों तरह से इसमें बीजेपी के चलते थे कि जो जाति का संगठन बनते हैं कि पहले मेरा बात ओम प्रकाश राजभर के मेरा भाई तो हर का बात है, लेके अपने जात के अलावा तो उसके जब पद दिया जाए, हिंदुओं के बारे में कुछ बोला तो सीख दे जाए, राम मंदिर मंदिर तो कुछ बनाना सो या सपा बसवा का मिया ने चिल्लाई तो उनमें पद पागे में तो फिर आगे का लड़ाई लगा लगा कि नहीं अब हमारे लड़कों के क्षेत्र का हमके लोकसभा में जावे, 3 सीट मांगा लगा। ये सब ये आजकल के आधुनिक राजा लोग ही तो हैं। हाँ जी जी विदव नेता लोग जो हैं जी राजा है, आधुनिक राजा है। हाँ और क्या, इनका इनकी जाति पर कंट्रोल है। हाँ जाति वाले इनके गुलाम हैं। हाँ उनके कहने पर चलते हैं। हाँ रुक तो रुक जाएगा, चल तो चल, पीछे हट तो पीछे हट, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़। तो जब जातियाँ गुलाम हैं किसी न किसी के, तो भाई जो जिसका गुलाम हो उसका तो उसका लाभ उठाएगा ना, शोषण करेगा ना उसका। हाँ उसके नाम पर वो मजा लेगा, पैसे बनाएगा, पैसा बनाएगा। तो अब पैसे भी तो रखने की जगह नहीं लगी है, पैसा फूल फूल जा रहा है। मारुती के भतीजी में कहते हैं 100 करोड़ रुपया पकड़ाया है। नहीं तो नेता नेता सब जो है ना ये भी चालाकी से रखते हैं, अपने अपने बहुत करीबी करीब लोग होते हैं उनके पास रखते हैं धन, अपने पास नहीं रखते हैं कि छापा पड़ा CBI का ED का। हाँ अपनी बोल के लोगों को दिए रखते हैं इनका। हाँ अपने बोल के लोगों को दिए रखते हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो तुम लोग घर धाम मचाना, ये इन लोग की टैक्टिस होती है। और इन लोगों ने साधु संतों को भी चुन रखा है, आश्रमों में जाके अपना धन रखते हैं। हाँ बाबाओं के बाबाओं के यहाँ धन रखते हैं, दे देते हैं बाबाओं को कि आप बना रहे हैं मंदिर बना रहे हैं कर लो। मंदिर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ दिया बाबा को, कहा कि 1 करोड़ आपका, 99 करोड़ हमारा, 99 करोड़ जब हमारे चुनाव समय आएगा तो आप यहाँ से आश्रम से गाड़ी जाएगी,
हाँ, और जो है जो जो काम करना होगा क्या बेमन कर जाएंगे वो उसी उसी का चेला है, गुरु है, कैसे बेमन चेला गुरु का संबंध है, बेमानी करेगा तो मरवा देगा, बेमानी नहीं करेगा ना, उसको भी तो लाभ है, क्यों करेगा बेमानी, उसको क्या फायदा उससे, फ्री में नहीं कर पा रहा है तो फ्री में पा रहा है, और उससे से कितने धन आ रहे हैं उसके सारे ग्रुप से, तब ना ये भी बढ़ रहा है, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़े, तुम भी खाओ, हम भी खाएं, ये सिस्टम यहाँ है ना। हाँ, बिना सर कोई बहुत बुद्धिमान जो धुर जो है ना जो नेता उसको नहीं सब पकड़ सकते इनकम टैक्स वाले, क्योंकि वे उन सबके सलाहकार सब ऐसे ऐसे हैं कि बताते हैं कि अपने पास मत रखिए, क्योंकि छापा आरती के ऊपर पड़ेगा, तो अपने पास रखिए ही नहीं, तो आएगा पता चले कुछ है ही नहीं इसके पास, हाँ अपने नाम पर कुछ नहीं है, वो सब अपने गोल के लोगों के, अपने पार्टी के लोगों के, अपने यहाँ के कर्मचारियों के खाते में, उनके रिश्तेदारों के खाते में, और आश्रमों में, और जो स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं एनजीओ जो है वहाँ पर रखते हैं सब एनजीओ में। हाँ, अगर लड़के हैं तो एनजीओ वगैरह वाला पैसा देता है, हाँ बांटने के लिए जब जरूरत पड़ती है तब उससे ले लेते हैं पैसा, लेता यही काम करता है हमारा जी, सभी का यही काम, सबका धंधा है, इसीलिए बच जाते हैं। जो बुद्धू टाइप का होगा ना नेताओं में, जो बुद्धू होता है, जो या बहुत जो लालची होता है, जो सोचता है कि हम ही सिर्फ खाएं, हाँ और कुछ भी नहीं होगा, जब अति विश्वास में भी कुछ लोग रहते हैं, अति घमंड में रहते हैं, वैसे लोग ही फंसते हैं, जैसे गोपाल राजा में जो अति घमंड में रहता है कि हाँ मेरा क्या बिगड़ेगा, वो नेता फंस जाता है, या जो सोचता है कि मैं क्यों दूँ किसी को, मैं अपने पास रखूँ, अपने हैंड में रहेगा तो जो चाहूँगा। हाँ, तो जो जो इस लालच में फंसता है, जो उसमें शेयर जो खाना खिलाने विश्वास नहीं करता है ना, वही फंस जाता है, और जो इसमें विश्वास करता है कि खाओ भी और खिलाओ भी तभी रह पाओगे, तो वह जो है वो नेता बचा हुआ है। जितने नेता आज बचे हुए हैं ये सभी वे नेता लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति, लेकिन उनके नाम पर नहीं है, जो उसमें स्मार्ट है वो अपने नाम पर नहीं रखता कुछ भी। जैसे ओम प्रकाश सिंह का 40 बीघा पौधा के तार उनके पास जमीन हो गया, लेकिन उनके नाम पर ना रजिस्ट्री पैसा वही दिए हैं जैसे महाराज जी का, तो वैसा ही है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी मैं भीतर की गहराई तक जानता हूँ ना, पिता के नाम से है, वाहन के आदमी के नाम से है, लेकिन वो भी जोतने बोतने ना आता है, हमारा सारा उसको जोता होता है, खूब चना बोता है, फसल आनंद लूटता है, तो जो इतने बड़े बड़े आश्रमों के जितने भी साधु लोग हैं ना, कोई साधु नहीं है, सब ढोंगे हैं, सब चोर हैं सब, क्योंकि सब उन लोगों के साथ मिले हुए भ्रष्टाचारियों के साथ, जब तुम कमीशन खा रहे हो नेताओं का, हाँ, और उद्योगपतियों का, वे खाली नेताओं का ही पैसा नहीं रखते हैं, उद्योगपतियों का भी पैसा रहता है, हाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी पैसा रहता है उनके पास, ये जान लीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों का रहता है, अधिकारियों के ऊपर जांच हो जाएगी कि तुम जब तुम्हारी इतनी आय है तो इतना पैसा कहाँ से आया, तो ये लोग पैसा रखते हैं, नोट रहता है तो नोट रख लेते हैं, जब आम कर रखे क्या तो उसे चिन्हाने दिए जनाने दिए कि उनके खाते में कितना पैसा है, जब हम लोग का सिस्टम लागू होगा तब तो कोई नहीं रख पाएगा, तब तो उसको फंसना फंसना है, अगर हम लोगों का जो अनुपातिक समाजवाद वाला और डिजिटल मुद्रा वाला जो है वह जब लागू होगा तब तो बच नहीं सकता, तब पकड़ाना ही पकड़ाना। तो ये लोग ईमानदार लोग मोदी बाबा लोग, कोई ईमानदार नहीं है, सब चोर हैं, तो ये लोग काहे मदद कराओ तुम साधु जी, सारे लोग चोर हैं, लेकिन लेकिन जो ईमानदार जिसको आप देख रहे हैं, जिस नेता को ईमानदार जिसको कहा जाता है ना, वो बुद्धिमान चोर है, बुद्धिमान जान लीजिए, जैसे केजरीवाल है बुद्धिमान चोर है, सारे ये सब जितने हैं जिनको आप ईमानदार समझ रहे हैं ना, सब बुद्धिमान चोर हैं, और जो पकड़े जाते हैं वे मूर्ख चोर हैं, या लालची चोर हैं, या घमंडी चोर हैं, हाँ जो समझते थे हाँ मेरा क्या होगा, हमारी सरकार है ना, देखने लेंगे, ये ना कर दें, उसको नहीं पता सरकार कभी बदल सकती है, उसको नहीं पता कभी भी जान बैठ सकती है, उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ पर कोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पावर रखता है, सरकार से ज़्यादा पावर रखता है, तो वो फंस जाते हैं, तब रोते हैं बैठ के, वो चले जाते हैं। जैसे पार्थ सारथी पकड़ाया है बंगाल में, TMC का नेता, जेल में भी है, हाँ उसके घर जिसके यहाँ रखा था ना, उसकी लवर थी, उसका खूब नोट रखा था, हाँ अब भाई जानकारी की गिनत, हाँ पकड़ा गया, फिर वो भाई वो भी तो बता देगा ना कि अमुक का है,
हाँ तो जांच कितने लोग जांच बैठने दिल बग गई तो कितने बहुत धुरंधर जो लोग हैं ना वे सब जो है पैसा ऐसा स्कीम बनाते हैं कि पैसा यहाँ से बाहर चला जाए। ये तो मैंने आपको बताया ना जो मतलब क्षेत्रीय स्तर के जो हैं, लेकिन जो और भी बहुत बड़े बड़े हैं ना वे देश से ही बाहर पैसा ले जाते हैं, दूसरे देश में कंपनियों के माध्यम से दूसरे देश में पैसा रखते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ टैक्स नहीं लगता है पैसे पर, हाँ तो वहाँ पर रखते हैं सब जाकर ले जाकर के। मैंने टैक्स तो घड़ी ना लगा था कहीं, फिर वो टैक्स लगा हुआ सोचा नहीं लगाते ना उन देशों की आमदनी उसी से। अच्छा हाँ हमारे यहाँ रखो, हाँ भाई यहाँ पैसा रखेगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा ना पैसे से, हाँ उसे काम करेगा कुछ ना कुछ काम करेगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ का कोई व्यवसाय बढ़ेगा। इंडिया का ढेर पैसा भारत विदेश में लाखों अरबों खरबों पैसा देवा। अरे आओ कौन रहा रेल मंत्री बुरा कौन लालू यादव नहीं उनका बाबू रहना मीरा कुमार का जगजीवन राम रेल मंत्री रहे विदेश में पैसा रखना। जितने हैं नेता चाहे जिस भी पार्टी के हों समझ लीजिए, क्योंकि बात नेता की व्यक्ति की नहीं है, बात सिस्टम की है। जब सिस्टम करप्ट है तो उस सिस्टम का हर व्यक्ति करप्ट होगा, समझ रहे हैं। काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक लिख लागी तो लागी है तो समझ रहे हैं। तो काजल की कोठरी है उसमें अब कैसा भी जाएगा वही काम करेगा, नहीं काम करेगा तो नेता बन ही नहीं सकता, समझ लीजिए। वो नेता बन ही नहीं पाएगा, वो चुनाव जीत ही नहीं सकेगा। उसको मदद करवानी है और मदद करनी है, झोंके का खाना है और खिलाना है। अतुल भारतीय नहीं है, अतुल भारतीय जैसे जीतल है जिला पंचायत सदस्य धीरू भाई अंबानी जो अंकित भारतीय धीरू भाई अंबानी जो थे ना उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गए, धीरू भाई अंबानी से। हाँ ये जो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी उसके पिताजी थे धीरू भाई अंबानी जो उतना रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा किए थे, पत्रकार ने पूछा था वो इंटरव्यू उसमें कहा था कि जितना मैंने खाया उससे ज़्यादा खिलाया है इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अब इसका गहरा अर्थ है जो जैसा अर्थ लगा ले इसी से हम यहाँ पहुँच गए, हाँ इसी से। वही आदमी ऊपर पहुंचता है जो खिलाता है, क्योंकि वही खा सकता है, जो खिलाएगा नहीं वो खा नहीं सकेगा। अधिकारियों को अपना देना शुरू किया है, जो भी जिसको भी दीजिए, अधिकारियों को दीजिए, नेता को दीजिए, जनता को दीजिए, साधु को दीजिए, जिसको भी देना दीजिए, जितना देंगे उतना मिलेगा, ये सिस्टम है यहाँ का। और जो इस रहस्य को जो जान जाता है ना वही अमीर बनता है। अधिकतर लोगों की सोच क्या होता है कि दो नहीं लो, अधिकतर लोगों की ये सोच होती है कि लो, समझ रहे हैं। जब आप लेते हैं ना तो ये अस्तित्व आपको कम देगा फिर, क्योंकि ये दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है ये सिर्फ लेना चाह रहा है। आप सांस खाली भरेंगे, सांस छोड़ेंगे नहीं तो कैसे कितने तक जीवित रहेंगे आप, कैसे रहेंगे। लेना देना सब चाहिए, हाँ जितना अधिक आप देंगे ना उतना ही आपको मिलता है, ये इस अस्तित्व का ही नियम है। तो वे लोग खिलाते हैं, जो इस रहस्य को जान गए हैं वे लोग खिलाने में विश्वास करते हैं। तो कहीं भी गए, मान लीजिए कचहरी में गए, दरवान है, दरवान कोई 10 रुपये पकड़ा दिया, काम हो जाएगा, काम उनका जल्दी हो गया। अब एक है कि हमको पैसा क्यों दें, हाँ होगा तब वो 4 घंटा वहाँ बैठा हुआ और उसका तुरंत हो गया 10 रुपये में अपना उसने 4 घंटा बचा लिया, 4 घंटा बचा लिया, उस 4 घंटा में कितना रुपये बनाएगा वो भीतर गया, समझ गए, वहाँ पर उसे कलर से सेटिंग कर दिया, कलर को पैसा खिला दिया, कलर जो है तुरंत तो उसका फाइल लगा दिया, साहब के यहाँ पहुँचा दिया, कलर को ही घुस दे दिया, साहब पहुँचा देना, साहब को इशारा कर दिया कलर ने, हाँ बन गया है हो गया माल आ गया, उसने साइन कर दिया, उसका फाइल तैयार। अब जो सोच रहा है ईमानदारी से कि मेरा काम हो, हाँ मैं क्यों पैसे दूँ, अब उसका क्या होगा कि घुमाते रहेंगे, उसका दोस्त निकालेंगे फाइल में, अरे आपका फाइल तो गड़बड़ है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं, ये नहीं काम हो गया, ये फिर चलाइए। अब फिर 10 दिन के बाद फिर बनवा के लाया, फिर उसमें कुछ दोस्त निकाल दिया, जाइए फिर चलाइए। अब उसका 4 बरस उसको घुमा दिया उसने, अब वो आगे कहाँ से बढ़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे बनवा हुआ 100 रुपया मांगा था तो हम 70 रुपया दे दें, और 7 दिन के बाद फिर गए 70 रुपया निकाल के हमें फेंक दिया,
हमको निराश जाम मान लो 100 रुपया दे दूँ तो हमारा करेक्टर सही हो जाए, 70 रुपया दे तो करेक्टर हमारा खराब हो ना बन पाओ था निकाल दिन कहीं साहब बड़ा बड़ी परेशानी भाई, वो 30 रुपया हमारे बचत के भाई ढेर परेशान हो। तो इसीलिए आदमी क्या है ना कि सामान्य आदमी उस सोच का आदमी, जिस सोच के आप हैं उस सोच के आदमी बुढ़े हो जाते हैं, उनके पास नोट नहीं रहता। एक चेवरू काम करने के लिए बचेगा नोट सिर्फ उसी के पास रहेगा जो खिलाएगा सदैव जान लीजिए तब नंबर चढ़ाई को, अभी तो सही मारे को कौन दोस्त निकाल के बैक कर दी फेंक दिया बैक कर, क्योंकि सिस्टम है ना आप समझिएगा बात को, सिस्टम है वो, उसमें एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो सिस्टम की बात है। पैसा कैसे मंगाई, पैसा ना रहा तो नाम आप मौके पर तो पैसा आप हर जगह मंगलो ना, बिजनेस सिस्टम है ना कि महाराज जी, वहाँ बिजनेस वाली बात है, वहाँ सिस्टम वो घुसखोरी जो है ना वो एक कमाई का जरिया व्यवसाय है, वो भी उसको खिलाना है, अपने खाली नहीं खाएगा वो, हाँ, वो भी खिलाएगा, वो भी कलर को पहुँचाएगा, अधिकारी को पहुँचाएगा, नेता को पहुँचाएगा, बड़े अधिकारी को पहुँचाएगा, पूरा सब बटा हुआ चैन है एक। हाँ तो जो पैसा दे रहा है तो उसका वो सुनेगा कि जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका सुनेगा वो, तब एप्लीकेशन वाले का थाना को अगर 5 लाख का अंदर ही ना तो मुझसे 2-3 लाख डीएमओ के जाए, एसपीओ के जाए, ऑटोमेटिक जाएंगे। ये जमीनी हकीकत है और इस सिस्टम को, सिस्टम को जब तक नहीं बदला जाएगा ना, खाली कि मैं ईमानदार हूँ ये सब ढोंगी है, ईमानदार कुछ नहीं। सिस्टम में बदले खाती बड़ा पापड़ बेले के पड़ी, चोर के संगे चोर बन के तो घुसने के पड़ी और तब जाके वो जो हुआ बोले के पड़ी, जब ले वहाँ पहुँची ना नहीं पहुँचे ही नहीं ऐसे। जब आप उस सिस्टम के पार्ट बन गए तो सिस्टम को आप नहीं बदल सकते। हाँ जब आप उस सिस्टम के अंश बन गए तब तो आप उन लोग के पास सारे रिकॉर्ड आपके आ गए कि आपने कहाँ कहाँ किसका किसका घोटाला किया है, कहाँ कहाँ चोरी की है, तुरंत आपको जेल भेजवा देंगे, मिनट नहीं लगेगा उसको। उस सिस्टम से जो गद्दारी करेगा ना, जैसे कोई माफिया ग्रुप में घुस जाता है, गिरोह में आप घुस तो सकते हैं, निकल नहीं सकते। हाँ जान लीजिए, आप घुस गए तो आप अगर निकलने सोचेंगे तो आप मारे जाएंगे, वो मार देगा आपको। तो इस सिस्टम के पार्ट अगर आप गए तो बन गए तो फिर आपका सारा रिकॉर्ड, अब मायावती हैं, ये हैं, अखिलेश हैं, ये सब जितने भी हैं, इन सब के फाइल सब भाजपा के पास फाइल ना होगी, जिस दिन चाहेंगे उस दिन जेल भेजवा देंगे इन लोग को। सारा फाइल उन लोग के पास पास चला गया, कौन कौन सा इन लोगों ने कार्यक्रम बनाया था, किस कार्यक्रम में दलाली कितनी खाई है, किस किस कंपनी को दिया था, हाँ उस कंपनी का पैसा बढ़ा चढ़ा करके कैसे लिखा, एक बाल्टी कीमत जो 100 रुपया है उसका 500 बिल कैसे बनाया, एक लैपटॉप इतने में मिलता था इतने में खरीद कर की कीमत कैसे बनाया, लैपटॉप पे भी चढ़ जाएगा कितना, बिल्कुल पैसा सारा लूटता है, समझ रहे हैं। तो वो सिस्टम का पार्ट बन गया है कि अभी हम लोग का यदि पास आ जाता ना, इनका नोटबंदी या कुछ सब निकाल देते हम लोग, जो गंगा सफाई अभियान में कितना पैसा खर्चा किए हैं, इतना किए हैं, उतना किए हैं, हम लोग बच्चा उधेड़ देते, वो भी तक में सब बैठा है, हम बैठा है, लेकिन उन लोग के आने के चांस नहीं ना है, छोटे छोटे बस एक कांग्रेस का ही चांस है, कांग्रेस हो गया कहाँ चांस है। हाँ तो जब कांग्रेस आने तो फिर आपके केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, राज्य सरकार की औकात क्या है, केंद्र सरकार के विपरीत में जाएगी अगले दिन बर्खास्त हो जाएंगे। इन लोग की हैसियत क्या है, इन लोग तो हर समय ग्रिप में है, केंद्र में सरकार बना करके आप कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की बात होगी चाहे अमित शाह बनेगा प्रधानमंत्री, एक दो ठेका नंबर है, बीजेपी आने वाले समय में बहुत दिन तक रही लग रहा है, हिंदुओं के पक्ष में सब बोलते हैं ना, हिंदुओं के टक्कर में मोदी कैसे बोलने, सिस्टम की ताकत होती है और ये आपको हर देश में मिलेगा, ये मत समझे कि खाली भारत में है, नहीं नहीं, क्योंकि ये सिस्टम हर जगह है, हर देश में है यही सिस्टम, तो हर जगह ऐसे ही लोग हैं। अब वहाँ पर ये हो सकता है कि कहीं पर 100 रुपया चलता होगा, कहीं पर 10 रुपया चलता होगा, कि 10 रुपया घुस ले काम हो गया, किसी वहीं 100 रुपया देना पड़ा उसी काम के लिए, किसी देश में ऐसा हो सकता है, इतना ही अंतर है। जहाँ बहुत ज़्यादा कैमरा ये वो सब लगा हुआ है पकड़ने के लिए, हाँ थोड़ा बहुत, तो वहाँ थोड़ा कैमरा के आड़ में काम होगा। चलिए बाहर जरा चाय पी लीजिए तो वहाँ बाहर गया दुकान में चाय पीने, वहाँ दे दिया लो कैमरा, तो वहाँ लगा ऑफिस में और घुस दे रहा है वहाँ पर बाहर कहाँ कैमरा लगा है। हाँ बड़ा बड़ा समस्या में गुजरी तो छोटे छोटे लोग इस विचार के उनके विचार के बदल के अपने विचार में मिला लेवल जा, आखिर कुछ तो लोग भेटाई ना मिल ही ना, आइए मिल रहा लोग तो लोग से पूछ। छोटे लोगों की जो है ना इच्छाएं भी बहुत छोटी होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती है,
उन लोग की इच्छाएं क्या है, हमको कोई मुर्गा खिला दे। हाँ विधायक जी जीत हमारे विचार यह है, कोई मुर्गा खिला दे, कोई दारू की एक बोतल पकड़ा दे, कोई पेप्सी पिला दे, वो उतने ही तक वो समझता है कि बाटी चोखी लगा दे, 500 रुपया पकड़ा दे, पत्नी को एक साड़ी दे दे, हो गया। हमारा पिताजी का नाम चलता लगभग 5000 रुपये, तो पैसा तो बस दिए नहीं, नाम तो मान लग गया, बच गया में लगी चढ़ गया, फ्री में नहीं, कोई दिए नहीं। हमको करा कहा था करो बच्चा, वो कौन बहुत जरूरत ना पड़ रही, पर धीरे चढ़ी ना इसे अपन। जब ब्रेन स्कैन मशीन लग जाएगी सभी कार्यालय में और डिजिटल करेंसी से ही जब ट्रांसफर होगा पैसा, और पैसा बिना मतलब कि उसके आए, मतलब रसीद, बिना रसीद के आए, जब पैसा जाएगा नहीं तब तक ये नहीं रुकने वाला, बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। पैसे की हिस्ट्री ट्रेस होनी चाहिए, कहाँ से पैसा चला, कहाँ से कहाँ तक गया, किसके पास गया, तो कब गया। सरकार चाहती तो सिस्टम दे दो, बैंक अकाउंट का जो सिस्टम जो उसी तरह है, उस तरह कहाँ से सिस्टम है। अभी बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ थोड़ी पूछा जा रहा है कि तुम किस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, क्या पता है, तो पता है ना किसको दे रहे हो। हाँ ठीक है, आपने खाते में दे दिया पैसा, लेकिन वो नोट भी तो चल रहा है, और क्यों, और खाते में देने के लिए थोड़ी है, तुमसे पूछा थोड़ी गया, खाली ये हुआ कि पैसा उसने दे दिया, तो इतना से क्या पता चलेगा भ्रष्टाचार का, कुछ नहीं पता चलेगा, कहाँ इस पर रोक है। अच्छा सरकार चाहती तो ये हो जाता है, सरकार के चाहने से तो हो ही जाएगा, लेकिन चाहेगी क्यों, क्योंकि वो उसी सिस्टम के हिस्सा है ना, वे नहीं चाहेंगे ना, चोरी करना है उनको, खुद चोरी करनी है उनको, खुद चुनाव लड़ना है, वो चाहती सरकार तो लागू कर देती है। हाँ चाहती तो कर सकती, रसीद आएगी तो डिजिटल रसीद जाएगी। हाँ जब रसीद आएगी उधर से तभी पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, और सिर्फ डिजिटल करेंसी चलेगी, ये नगद रुपया नहीं चलेगा। और हर ब्रेन स्कैन मशीन लगाई जाएगी, हर कर्मचारी की जाँच होगी दिमाग की, किसने कुछ कुछ जो है लिया तो नहीं है, तो एक तो स्वास्थ्य विभाग वाले से हम पता किए, सोना चांदी हीरा मोती, तो वो कह रहा था कि उसमें जिसका ब्रेन जांच करना होता है ना, तो उस पर कुछ दवा चलानी पड़ती है, दवा चलानी पड़ती है उस व्यक्ति के ऊपर, तब ब्रेन स्कैन मशीन लगेगी। वो तो वहाँ पर जो इन लोग के पास जो है ना, स्वास्थ्य विभाग के पास, उसकी बात कर रहे हैं ना जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। ब्रेन स्कैन मशीन कई वेराइटी की ना है, FMRI जो मशीन होती है ना, वो हाई क्वालिटी की होती है, वो सब बन गई है सब। FMRI मशीन जो है, मतलब वो मशीन बन गई है, बन गई है, कब की बन गई है, कब की बन गई, तो उससे चोरी तो नहीं पकड़ता है, उसको पकड़ेगा कौन, लगाएगा सरकार, सरकार खरीदेगी लागू करेगी तब ना आएगी, वो तो अभी उसमें है लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक सब प्रयोग करते हैं उसका, दूसरे देश में है, अपने देश में नहीं है, अपने देश में भी है, लेकिन प्रयोगशाला में ना है, प्रयोगशाला में है। हाँ तो ऐसी कई क्यों बनवा लेता, क्यों बनवा लेगा, अपने भी नहीं तो, अपने भी तो पकड़ाएगा। हाँ नहीं सरकार नहीं उसको ऑर्डर देगी नहीं कि किसी पर लागू नहीं करना है, लगाना नहीं। हाँ क्योंकि उसको भी तो उससे गुजरना पड़ेगा, फिर जो लागू करेगा उस व्यक्ति को भी तो गुजरना होगा, और कचहरी का कमाई कम हो जाएगा, चोर को साफ साफ को चोर बनाता रहेगा, इसी तरह से कानूनी आती रहेगी, जज का भी दिमाग टेस्ट होगा, तो जज भी नहीं कुछ कर पाएगा, कई तरह की बातें हैं, तो वे लोग नहीं इसको लागू करेंगे ना। उसके लिए सरकार के विरुद्ध सिस्टम लड़ करके सरकार कोई बना करके कर ले तो यही होगा, इस व्यवस्था को लागू करने का ही मुद्दा लेकर के अगर चुनाव लड़े और उस पर सरकार बनाए तो कोई बात है। सौ घर का साई एक टेका बसाई, वो ये मान करके चले कि मुझे जो कुछ नहीं लेना है, और मुझे नहीं लेना है, हमारे पार्टी के किसी को नहीं लेना है, और जनता भी मान ले कि मुझे